हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर यू में। दोस्तों, आपका इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है सभी रीजन का। अब आपके जो है फाइनल रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट डेट आपकी क्या होने जा रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैटेगरी वाइज आपके कितने नंबर आए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाए, कट ऑफ आपकी क्या जाने वाली है, मेडिकल आपका कैसे होगा, 100% सटीक जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी एग्जाम फॉर यू चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट से जो भी अपडेट आए सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, पहले आपकी कैटेगरी वाइज कितने नंबर हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाए। जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, 72 से लेकर 74 नंबर आपके आ रहे हैं, तो दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 70 से लेकर 72 नंबर। EWS अगर आप कैंडिडेट हैं तो 68 से लेकर 70 नंबर। ST कैंडिडेट के लिए 65 से लेकर 68 नंबर। ST के लिए 61 से लेकर 64। एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो 60 से लेकर 62 नंबर। PWD कैंडिडेट के लिए 61 से लेकर 63। अगर आप PWD OS सब कैटेगरी से हैं तो 63 से लेकर 65 नंबर। VH के लिए 62 से 64 और HH के लिए 58 से लेकर 60 नंबर। दोस्तों, अगर आपके कैटेगरी वाइज इतने नंबर आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कट ऑफ मैंने आपको बता दी, रिजल्ट आपका कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपकी क्या रहने वाली है, सभी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करके जरूर जाए एग्जाम फॉर यू चैनल को। अब बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। 10th की मार्कशीट आपकी मांगी हुई है तो आप 10th की मार्कशीट लेकर जरूर जाएं। ITI का सर्टिफिकेट आपका मांगा हुआ है वो आपको लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका मांगा है, जाति प्रमाण पत्र वो आपको लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपका सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का आपका नहीं चलेगा। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हम जनरल कैटेगरी में हैं, क्या हमारा भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। दोस्तों, जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, तो आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपका बनेगा जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट। ID प्रूफ में आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID, पासपोर्ट, इनमें से जो ID आपके पास हो वो आप लेकर जाएं। एक ID है एक लेकर जाएं, दो है दो लेकर जाएं। ऐसा ना करें आपके पास दो ID है आप एक लेकर चले जाएं, दोनों ID अपनी लेकर जरूर जाएं। डोमिसाइल आपको लेकर जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका मांगा हुआ है तो आप उसको लेकर जरूर जाएं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाते क्या हमारे पैसे चल जाएंगे। दोस्तों, किसी के पैसे नहीं चलेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको नौकरी मिलेगी, बिना डॉक्यूमेंट के नौकरी नहीं मिलेगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएं, नहीं है तो बनवा लें। तो ये होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। अब बता देता हूँ मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट में। आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम था वो सभी का हो चुका, मुंबई का बाकी था, मुंबई का भी 27 जुलाई में समाप्त हो गया है। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका हो चुका है, जो बच्चे पास होंगे अब रिजल्ट में उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होंगे उनका होगा मेडिकल। मेडिकल आपका मिलिट्री हॉस्पिटल में कराया जाएगा मिलिट्री डॉक्टर्स की देखरेख में, तो आप टेंशन फ्री रहें, ज़्यादा आपका हार्ड मेडिकल नहीं होने वाला। थोड़ा थोड़ा सा मेजर क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, ज़्यादा हार्ड आपका नहीं है। जैसे आपकी आईसाइट चेक की जाएगी, आपके घुटने मिले हुए तो है नहीं है ये किए जाएंगे, आपको फ्रैक्चर तो नहीं है, यानी इस टाइप से आपका मेडिकल होगा, ज़्यादा हार्ड मेडिकल आपका नहीं होगा, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट आपका कब आएगा, रिज़ल्ट आएगा आपका अगस्त में, अगस्त में भी तीसरे हफ्ते में, इससे पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। जो खबर आ रही है तीसरे हफ्ते की आपकी खबर आ रही है रिज़ल्ट की, और तीसरे हफ्ते में भी दोस्तों एंड में आएगा, तीसरे हफ्ते के स्टार्टिंग में आपका नहीं आएगा, एंड में आपका रिज़ल्ट आएगा। उसके 10 दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के चांसेस बने हैं, क्योंकि 8 से 10 दिन दिए जाते हैं रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो 8 से 10 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मेडिकल में क्या हमारा जो हमने टैटू बनवाया है उससे कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी। दोस्तों, मेडिकल में टैटू की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं जाकर आपको कंडीशन का पता लगेगा, क्या पता वो टैटू वालों को मना कर दें या ना करें, लेकिन आप टैटू बिल्कुल ना निकलवाएं, क्योंकि हो सकता है टैटू निकलवाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाए, तो आप निकलवाने की बिल्कुल कोशिश ना करें टैटू को।
अगर वहाँ को आप वहाँ जाके आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है ना रिजेक्ट किया जाए, तो आप टेंशन फ्री रहें, टैटू आप बिल्कुल ना निकलवाएं। तो सभी बातें मैंने आपको बता दी, कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एग्जाम फॉर यू चैनल को बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको यहाँ पर जो भी अपडेट हो सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना जिसने भी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट का पेपर दिया है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।